नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमलेश रमन ने राजधानी दून में महिलाओं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की सभी माताएं बहनें और आम जनमानस बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं, क्योंकि जिस तरह लगातार पेट्रोल डीजल के दाम के साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आटा दाल चावल चीनी भी अपनी चरम सीमा पर है और गरीबी जनता की थाली से एक वक्त की रोटी भी धीरे धीरे महंगाई की भेंट चढ़ रही है। वह निंदनीय है, अगर महंगाई पर जल्द ही रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में देश की जनता सबक सिखाएगी। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई का ये आलम है कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी मातृशक्ति है, आज उनको अपना भोजन पकाने के लिए देखना पड़ता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दिक्कत की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और मोदी सरकार हर रोज़ प्रतिदिन गैस के दाम बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, अन्य वस्तुओं के दाम स्वतः ही बढ़ जाते हैं। रसोई में एक एक चीज़ महंगी हो चुकी है, चाहे सरसों के तेल से लेकर के नमक की थैली, चीनी, चावल, हर चीज़ महंगा हो चुका है। और मोदी सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है। आज हमारी तमाम, हमारी जो मातृशक्ति, हमारी महिला कांग्रेस ने पुतला फूंक करके केंद्र सरकार से मांग करी है कि जो 2014 में आपने वादा किया था देश की जनता से, अच्छे दिनों को लाऊंगा और महंगाई पर रोक लगाऊंगा, वो वादे आपके क्या हुए? उन वादों को उनको याद दिलाने के लिए आज हमने उनका पुतला फूंका है कि मोदी सरकार होश में आ जाओ, वरना देश की जनता, देश की मातृशक्ति सड़कों में उतर के आपको गद्दी से उतारने में देर नहीं लगाएगी। काम करो, काम करो। भाई फोटो हो गया।